हेलो स्टूडेंट्स, आशा है आप अपने घर पर स्वस्थ है, सुरक्षित है। हालांकि लॉकडाउन के दौरान आपका कहीं आना जाना नहीं हो रहा है, किंतु सामान्यतः जैसे ही छुट्टियां शुरू होती है वैसे सभी के मन में एक उत्साह निर्माण होता है, क्योंकि छुट्टियों में ज़्यादातर लोग बाहर घूमने जाना तथा गांव जाना पसंद करते हैं। फिर चाहे आप रेलगाड़ी से जाओ, बस या हवाई जहाज, पर यात्रा के दौरान हमें कई अनुभव आते हैं। उनमें से कुछ विस्मरणीय होते हैं और जब हम उन्हें याद करते हैं तो मन ही मन मुस्कुराने लगते हैं। ऐसे ही कुछ अनुभवों के बारे में आज हम पाठ पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है सफर का साथी और सिरदर्द। इस पाठ के लेखक है पंडित रामनारायण उपाध्याय। अब हम लेखक का परिचय कर लेते हैं। लेखक का जन्म 1918 में मध्य प्रदेश में हुआ। आपकी भाषा शैली सरल, सहज और प्रभावशाली होने के कारण आपके लेखन के पाठक कई जाने जाते हैं। लेखक की प्रमुख कृतियां हैं धुंधले कांच की दीवार, नाक का सवाल, मुस्कुराती फाइले, मृग के छौन, हम तो बाबुल तेरे बाग की चिड़िया आदि उनकी प्रमुख कृतियां हैं। लेखक रामनारायण जी ने व्यंग, ललित निबंध, रूपक, रिपोर्टार्ज आदि कई विधाओं में लेखन कार्य किया है। उनकी लगभग 30 से अधिक पुस्तकें प्रकाशित हुई है और हिंदी भाषा के अलावा विविध बोलियों के संवर्धन के लिए उन्होंने लेखनीय कार्य किया है। सफर का साथी और सिरदर्द, इस पाठ में लेखक ने हास्यात्मक व्यंग अर्थात हास्यात्मक टीका टिप्पणी के द्वारा रेल यात्रा दौरान मांग कर अखबार पढ़ने वालों, अनावश्यक बात करने वालों, बिन मांगे सलाह देने वालों पर व्यंग किया है, टीका की है। अब हम पाठ पढ़ेंगे और लेखक को जो रेल यात्रा के दौरान अनुभव आए हैं उनका मजा लेंगे। पहला परिच्छेद, मुझे अकेले यात्रा करने में आनंद आता है। इससे चलती रेल में से पैरों के नीचे से निकल जाने वाली नदी में कल्पना में डुबकी लगाने, जो पास लगते हैं उन वृक्षों के निरंतर पीछे छूटते चले जाने और जो दूर है उन भागते वृक्षों का साथ निभाने में बड़ा मजा आता है। लेखक को अकेले यात्रा करना पसंद है। उन्हें अकेले यात्रा करने में आनंद आता है क्योंकि वे प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद उठाना चाहते हैं। रेल से यात्रा करते समय जब नदी के किनारे से रेल गाड़ी गुजरती है तब उस पानी में डुबकी लगाने की कल्पना करना तथा बाहर से जो वृक्ष भागते हुए पीछे चले जाते हैं उनका सौंदर्य देखने में लेखक को प्रसन्नता होती है और इसीलिए वे अकेले ही यात्रा करते हैं। यात्रा में अगर कोई साथी मिल जाए तो ऐसा लगता है मानो वह मेरी निगाह चुरा रहा हो। मैं किसी की ओर एक टक निहारता हूँ, किसे देखकर नाक भौ सिकुड़ता हूँ और कौन मेरे एकांत क्षणों का अंतरंग साथी है, इन सब बातों पर कोई निगाह रखे यह मुझे कतई पसंद नहीं। यात्रा के दौरान लेखक किसे निहार रहे हैं, निहारना अर्थात देखना, तथा किसे देखकर
वे नाक भौं सिकोड़ रहे हैं। नाक भौं सिकोड़ना यह मुहावरा है, इसका अर्थ है घृणा दर्शाना। तथा एकांत मतलब जब लेखक लोनलीनेस फील करते हैं, उस समय उनका मन का साथी कौन है, इस पर किसी की निगाह हो, कोई नजर रखे, यह लेखक को पसंद नहीं है। और इसीलिए लेखक को यात्रा के दौरान साथ में कोई हो यह अच्छा नहीं लगता है। अगला परिच्छेद, कभी कभी जब रेल की खिड़की से बाहर जाकर दूर के दृश्य, किसी प्राकृतिक मनोरम दृश्य को देखना चाहता हूँ, जैसे सूर्योदय और सूर्यास्त, तभी मेरी दृष्टि उचट कर किसी वृक्ष की डाली पर पांव टिकाए बच्चों को देखने में जा उलझती है। तब कैमरे को हिल जाने की तरह सारा दृश्य गायब हो जाता है और मैं सोचता ही रह जाता हूँ कि आखिर मैं देख क्या रहा था। यहाँ पर कवि ने प्राकृतिक दृश्यों के बारे में कहा है जो उन्होंने रेल यात्रा द्वारा देखना भी पसंद करते हैं, कि यात्रा के दौरान लेखक देखते हैं उन्हें प्राकृतिक मनोरम दृश्य। मनोरम इस शब्द में विसर्ग संधि हुई है, मन प्लस रम अर्थात सुंदर। यह जो सुंदर प्राकृतिक दृश्य है, जैसे कि सूर्यास्त तथा सूर्योदय देखना, और इन दृश्यों को देखते देखते अचानक उनकी दृष्टि किसी वृक्ष पर जो बच्चे खेल रहे हैं उन पर जाकर ठहरती है, और बाद में उन्हें ऐसा एहसास होता है कि मानो वे किसी कैमरे में एकाध पिक्चर ले रहे हो और उसी समय वह कैमरा हिल रहा है। फिर वे अपने आप से ही सोचते रहते हैं कि अरे मैं क्या देख रहा था, आखिर यह सूर्योदय सूर्यास्त इन्हें देख रहा था या फिर इन वृक्षों पर खेलते हुए इन बच्चों को। कभी कभी मेरी दृष्टि नदी के किनारे के सौंदर्यों को निहारना चाहती है, निहारना अर्थात देखना। इसी बीच जैसे आँख में कंकरी गिर जाए, कंकरी का अर्थ है छोटा पत्थर, ऐसे रास्ते में पहाड़ी के आ जाने से सारा दृश्य चौपट हो जाता है। चौपट होना यह मुहावरा है, इसका अर्थ है नष्ट होना। आगे और एक खूबसूरती लेखक ने बताई है कि नदी के किनारे से जब रेल गुजरती है तो वो सौंदर्य, नदी के किनारे पर जो सौंदर्य नजर आता है, नदी का बहता हुआ पानी, उन पर जो उनके आजू बाजू में हरियाली है तथा इस नदी के किनारे पर खेलते हुए बच्चे, महिलाएं जो वहां पर काम करने आई है, यह सब दृश्य निहारने में लेखक को आनंद होता है। किंतु अचानक से तभी एकाध बड़ी पहाड़ी बीच में आ जाती है और फिर यह जो सौंदर्य का आनंद लेखक ले रहे हैं उसमें रुकावट आ जाती है। आगे, कभी कभी मेरा मन उच्चाकाश में उड़ने वाले पक्षियों के साथ अनंत के ओर छोर नापना चाहता है। इसी बीच रेल किसी गुफा में प्रवेश कर जाती है और तब लाचार मन को भी मन मारकर सुरंग की उस पतली लकीर में से निकलने को बाध्य होना पड़ता है। सुरंग अर्थात जमीन खोदकर उसके नीचे से बनाया हुआ मार्ग, कभी कभी रेल यात्रा में बीच में ऊंचे ऊंचे पहाड़ आते हैं और इसीलिए उन्हें खोदकर मार्ग बनाया जाता है। इन सुरंग में जाने के बाद सब कुछ अंधेरा छा जाता है और हमें कुछ नजर नहीं आता है।
यहाँ पर लेखक ने वही बात कही है कि कभी कभी वे ऊंचे आकाश में पंछियों को उड़ते देखते हैं और उन्हें देखकर उनका मन भी उन पंछियों के साथ उस ऊंचाई तक उड़ना चाहता है। और तभी अचानक रेलगाड़ी किसी सुरंग में जाती है और फिर उन्हें मन मारकर अर्थात उनकी इच्छा को रोककर, इच्छा को दबाकर उस सुरंग के अंधेरे में ही मग्न होना पड़ता है। वैसे मुझे बस की यात्रा कतई पसंद नहीं। उसमें यह भी जरूरी नहीं कि बगल में बैठने वाला आदमी हमारा मन पसंद ही हो। अनेक बार तो ऐसे व्यक्ति से पाला पड़ता है जो रूठी हुई पत्नी की तरह लाख मनाने पर भी सीधे मुंह बात नहीं करता। और अगर उससे प्रश्नों के जरिए छेड़छाड़ की जाए तो हाँ हूँ में जवाब देकर खिड़की से बाहर मुंह लटका लेता है। कभी-कभी ऐसा भी साथी मिल जाता है कि आप चाहे सुने या ना सुने, वह अपनी बात तब तक सुनाता रहेगा जब तक दोनों में से एक उत्तर न जाएगा। यहाँ पर लेखक कहते हैं कि रेल यात्रा करते समय हमारे साथ और लोग भी होते हैं, किंतु बस में हमारे बगल में एक सीट रहेगी, उस पर कोई भी व्यक्ति आकर बैठता है और वह व्यक्ति हमारा मनचाही व्यक्ति हो ऐसा नहीं, हमारा परिवार का सदस्य हो या साथी हो ऐसा नहीं हो सकता। इसीलिए उन्हें बस से यात्रा करना कतई अर्थात बिल्कुल पसंद नहीं है। और उसमें अगर जो बगल में अर्थात बाजू में बैठा हुआ आदमी है, अगर वह अपनी रूठी हुई पत्नी की तरह यानी जो गुस्सेल हो, तो फिर उसे कितनी भी छेड़छाड़ करो, उससे कितने भी प्यार से बात करो, लेकिन वह रूठे हुए पत्नी की तरह हाँ और हूँ कम शब्दों में ही जवाब देता है और उसके कारण हमें एकांत महसूस होता है। तो कभी-कभी ऐसी हालत हो जाती है कि जो बगल में व्यक्ति बैठी हुई है वह व्यक्ति इतनी बातूनी होती है कि चाहे हमें सुनना हो या न सुनना हो, लेकिन वह अपनी बात बताए रहते हैं। और इसी के कारण जब तक अपना गंतव्य यानी हमारे उतरने का स्थान नहीं आता, तब तक हम परेशान हो जाते हैं। आगे कवि ने, लेखक ने सुपर फास्ट ट्रेन और एक्सप्रेस आदि का अंतर बताया है। वे कहते हैं, मुझे सुपर फास्ट ट्रेन के बजाय एक्सप्रेस से यात्रा करना ज़्यादा पसंद है। कारण सुपर फास्ट ट्रेन का स्वभाव उस विशिष्ट व्यक्ति की तरह होता है जो रास्ते में मिलने वाले बराबर वालियों की उपेक्षा कर बड़ों से मिलने दौड़ने जाता है। उसे आदमी से अधिक अपनी चाल पर नाज होता है। नाज अर्थात गर्व, घमंड। यहाँ पर लेखक ने सुपर फास्ट ट्रेन और एक्सप्रेस इन्हें मानवीय भावनाओं से तोला हुआ है। जैसे वे कहते हैं कि उन्हें सुपर फास्ट ट्रेन में यात्रा करना पसंद नहीं है क्योंकि उसका स्वभाव उस व्यक्ति की तरह है जिन्हें बड़े बड़े व्यक्तियों से मिलना बातें करना पसंद होता है। अर्थात यहाँ पर जो सुपर फास्ट ट्रेन होती है वो जंक्शन में ही रुकती है, बीच में जो छोटे छोटे रेल स्थानक होते हैं वहाँ पर रुकती नहीं है। और उसके कारण यहाँ पर लेखक ने सुपर फास्ट ट्रेन को एक विशिष्ट व्यक्ति जिसे अपनी चाल पर गति पर नाज है ऐसे व्यक्ति की उपाधि दी हुई है। अर्थात सुपर फास्ट ट्रेन की गति ज़्यादा होने के कारण लेखक यहाँ पर प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद नहीं ले पा रहे और इसी के कारण उन्होंने उसे
घमंडी व्यक्ति कहा गया है। जबकि एक्सप्रेस एक दोस्त की तरह दूर से स्टेशन देखकर अपनी चाल धीमी कर देती है, सबको अपने हृदय में स्थान देती है और जब चलती है तो इस कदर धीरे जैसे कोई एक मित्र दूसरे से विदा ले रहा हो। एक्सप्रेस के बारे में बताते हुए उन्होंने लेखक ने उसे दोस्त की उपाधि दी है कि जैसा एक दोस्त अपने दूसरे दोस्त को देखकर रुकता है, वैसे एक्सप्रेस जो है वह दूसरे स्थानक को देखकर दूर से ही अपनी गति धीमी कर देती है और हर एक स्थानक पर रुकती है। अपने को तो भाई साहब रेल की खिड़की से दुनिया देखने में बड़ा मजा आता है। ऐसा लगता है जैसे शीशे में से डिब्बे वाला बाइस्कोप देख रहे हो, लेकिन कोई देखने दे तब तो जैसे जैसे ही आपने पांव रखा और अपनी सीट पर बैठे कि सामने वाली की सीट पर बैठा यात्री आपको झोले में से झांकते अखबार की ओर देखकर पूछेगा, क्या मैं इसे ले सकता हूँ? लेखक को यात्रा करते समय अगर खिड़की के पास सीट मिले तो उन्हें बहुत आनंद है, क्योंकि डिब्बे में कौन बैठा है, हमारे साथ सफर करने वाले व्यक्ति कौन है, उन्हें उनसे लेना देना नहीं होता है, उन्हें तो बस प्राकृतिक सौंदर्य का मज़ा लेना होता है। किंतु वहाँ पर भी ऐसे ऐसे लोगों से मुलाकात होती है कि लेखक के इस आनंद में बाधा आती है। जैसे ही हम डिब्बे में रेलगाड़ी में पैर रखेंगे, अंदर कदम रखेंगे और जाकर अपने सीट में बैठते हैं, बैठे या न बैठे तब बगल वाला व्यक्ति अपने अखबार की ओर देखकर सवाल करता है, क्या मैं इसे ले सकता हूँ? अभी लेखक ने यहाँ पर उन्हें जो अलग अलग अनुभव यात्रा के दौरान आए हैं उनके बारे में कहा है। सबसे पहले उन्होंने अखबार के बारे में यहाँ पर बताया है। वे कहते हैं कि जैसे ही वे अपनी सीट पर जाकर बैठते हैं तो बगल वाला व्यक्ति उनसे अखबार के लिए मांग करता है, भले ही आपने उसे अभी अभी खरीदा हो और उसे खोलकर पढ़ना तो दूर, पन्ने पलटकर भी ना देखा हो, लेकिन आपके उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना अखबार सामने वाले के हाथों में होगा। अब आपकी स्थिति मांगने वालों की हो जाएगी और आप उत्सुकता से राह देखेंगे कि समाचार पत्र अब लौटे कि तब। समाचार पत्र आपके हाथ में है, आपने उसे अभी खरीद लिया है और वो खोल कर देखा भी नहीं, पढ़ने की बात तो दूर, अभी तक उसकी जांच पड़ताल भी नहीं की, तब तक पड़ोस वाली व्यक्ति सामने वाली व्यक्ति उसे अपने हाथ में लेती है और इस प्रकार अखबार में पढ़ना शुरू कर देती है कि मानो यह उनकी ही निजी प्रॉपर्टी, उनका ही अखबार है। और बाद में स्थिति ऐसी होती है कि जिसका अखबार है अर्थात लेखक का अखबार होते हुए भी लेखक वहाँ इस प्रकार बैठे हुए हैं कि यह अखबार सामने वाले का है और उन्हें वह पढ़ने के लिए चाहिए। तभी वे सज्जन एक जम्हाई लेकर उसे बेतरतीबी से मोड़ते हुए किसी दूसरे मांगने वाले की ओर इस तरह शान से बढ़ा देंगे, मानो समाचार पत्र आपका नहीं उनकी निजी संपत्ति हो। आप यहाँ वेटिंग में हैं, आप राह देख रहे हैं कि कभी यह व्यक्ति अखबार पढ़े और उस अखबार को लेखक को वापस कर दे, किंतु यहाँ तो ऐसी हालत है कि अखबार पढ़कर होने के बाद वह व्यक्ति उसे
बेतरतीबी से अर्थात केयरलेसली उसे मोड़कर उसे सामने वाले के पास देता है। इस प्रकार वह अखबार दूसरे को देता है कि मानो यह उनकी खुद की संपत्ति है। देखते देखते समाचार पत्र के पन्ने एक दूसरे से जुदा होकर पूरे डिब्बे के चक्कर काटने लगते हैं। मजे की बात यह है कि एक समाचार पत्र के कितने उपयोग हो सकते हैं इसका अंदाज रेल की यात्रा करते समय ही लगाया जा सकता है। कोई ललित निबंध के तो कोई संपादकीय पन्ने से अपनी सीट झाड़ता नजर आएगा, कोई समाचार पत्र फैलाकर उस पर भोजन करता दिखाई पड़ेगा। बेचारे समाचार पत्र वाले ने भी कभी नहीं सोचा होगा कि उसके पत्र के इतने उपयोग हो सकते हैं। यहाँ लेखक अखबार हाथ में आने की इंतज़ार में है और फिर ऐसी हालत हो जाती है कि धीरे धीरे अखबार पत्र के पन्ने अलग हो जाते हैं और वे पूरे डिब्बे में फैल जाते हैं। आगे लेखक ने समाचार पत्र के कई उपयोग बताए हैं। वास्तविक समाचार पत्र द्वारा हमें दैनंदिन जानकारी प्राप्त होती है, किंतु यहाँ पर लेखक ने उसके और उपयोग बताए हैं, जैसे कि सीट झाड़ने के लिए तथा समाचार पत्र को फैलाकर उस पर भोजन करने के लिए बैठना। यहाँ पर लेखक को समाचार पत्र वाले की बहुत ही दया आ रही है कि उसने जिस उपयोग से जिसके लिए यह समाचार पत्र बनाया गया है वास्तव में वह उसका उपयोग तो हो नहीं रहा और लोग उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। इन सब से परेशान होकर जब आप पीछे की ओर सिर टिकाकर कुछ क्षण आराम करना चाहेंगे, इसी बीच सामने से प्रश्न उछलेगा, कहाँ तक चल रहे हैं? आप अनमने मन से कहेंगे, भोपाल तक। पूछेंगे, भोपाल गाड़ी कितने बजे तक पहुंचती है? कहेंगे 3:15 बजे। उनका तर्क होगा, पहले तो 4 बजे पहुंचती थी, कहाँ टाइम बदल गया है। बोले, गाड़ी में तो कई जगह चैन पुलिंग होती होगी, आज की तारीख में पहुंच जाए यही गनीमत है। आप सोचेंगे चर्चा का अंत हुआ, तभी तीर की तरह प्रश्न उछलेगा, आप हबीबगंज उतरेंगे या भोपाल? कहाँ, अर्थात लेखक ने उत्तर दिया, हबीबगंज। फिर सामने वाला पूछता है, हबीबगंज क्यों? कहाँ, वहां से तुलसी नगर पास पड़ता है। रेलगाड़ी में प्रवेश करते ही लेखक को पहला अनुभव आया है अखबार का, और उसके बाद उन्होंने सोचा कि अखबार तो अभी हाथ में आने वाला है नहीं, इसलिए परेशान होकर उन्होंने अपना सिर पीछे टिकाकर वे आराम करने लगे। तभी अचानक जो बगल में बैठे अड़ोस पड़ोस में जो व्यक्ति है वह अपने पहचान की हो या न हो लेकिन पूछताछ करना शुरू कर देती है। लेखक सोचते हैं कि थोड़े समय के लिए क्यों ना हो, उन्हें एकांत चाहिए, शांति चाहिए, मन को शांत करना चाहते हैं तथा प्राकृतिक सौंदर्य देखना चाहते हैं, किंतु ये जो गाड़ी में बैठे हुए लोग हैं वो उन्हें इस बात के लिए राजी नहीं कर रहे हैं। वे एक के पीछे एक उन्हें सवाल पूछते जा रहे और उसके कारण लेखक आखिर परेशान होते हैं। अभी तक यात्रा पूरी नहीं हुई है, आगे लेखक को क्या अनुभव आता है और यह जो सफर लेखक ने शुरू किया है और इस सफर में लेखक का जो साथी है वो अंत में उनका साथी न बनकर सिर दर्द कैसे बनता है, यह हम
अगले भाग में पढ़ेंगे। आज हम यहीं पे रुकने वाले हैं। आज जो भाग आपको पढ़ाया गया है उसे आपको पढ़ना है। थैंक यू।